most important thing about preparing for armed forces is to get yourself disciplined. ये जो program और guidance Centurion से दिया जाता है in coordination with the school where they will be studying, they should just follow religiously what they are told to do. बहुत ही आसान हो जाता है उस लक्ष्य को पाना जब आपको उसका तरीका पता हो, स्ट्रैटेजी पता हो, मेथड्स पता हो। इसी डिस्कशन के बाद मैं सर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर डेली रूटीन बच्चों का कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स NDA, CDS, MNS और फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर रहे हैं। तो सर व्हाट शुड बी देयर डेली रूटीन जिससे कि वो अपनी रूटीन में वो हैबिट्स डिवेलप करें जो कि आर्म्ड फोर्सेस की सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल हैं। Yes. See, the most important thing about preparing for armed forces is to get yourself disciplined. So, discipline होना सबसे जरूरी है, और discipline आपको होके जो routine आप बनाओगे वो आपके ऊपर है। How much you can study and how much you should balance out between games and studies, वो सबका individual requirement है, individual goals है। सो उसी हिसाब से आप एक रूटीन बनाए विच इज़ प्रैक्टिकल एंड कैन बी फॉलोड एंड बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट, क्योंकि फाइनली यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग, क्योंकि करना आपको ही है। एंड वन थिंग स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर व्हाइल टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन इज दैट द कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ स्क्रीन टाइम। Nowadays, the main problem which has been perceived in the aspirants is that they are too engrossed and occupied in their mobile, and they devote a huge portion of the time to things like social media and other things. उसको अब कुछ दिन के लिए आपको control करना है, and you should use mobile only for genning up. It's a very good tool. Use it for your requirement and studies, current affairs and all those things. थैंक यू सर। एंड सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 11th एंड 12th फाउंडेशन जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं उनमें स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मैक्सिमम टाइम के लिए रहते हैं, 2 ईयर्स का उनके पास स्पैन होता है। मेरा मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी हैबिट्स वो और डिवेलप करें, स्पेशली हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको स्पेशल टिप्स दें, क्योंकि वो हमारे साथ मैक्सिमम टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं एंड उन्हें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी होगी। फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स दे हैव गॉट टाइम, दैट इज दे हैव गॉट अराउंड 2 ईयर्स, और मे बी अगर एक साल 12th में ज्वाइन किया तो अराउंड एटलीस्ट 1 ईयर फॉर देयर रिटर्न एंड देन अनदर 2-3 मंथ्स फॉर देयर SSB। तो वो लोग जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको ठीक से फॉलो करें जेन्युइनली। Lot of ideas are flowing around, lot of people are having lot of misconceptions. So ye jo program or guidance Centurion se diya jata hai in coordination with the school where they will be studying, they should just follow religiously what they are told to do, and they should have faith, not try to try to find out about the techniques in advance and ye karna chahiye wo karna chahiye wo sab bataya jayega un log ko. They have to be just disciplined and follow whatever the routine that has been laid down to them. Jo bhi bola ja raha hai usko follow kijiye and things will automatically work out. Thank you so much. I think these tips are really going to be very beneficial for you. I would suggest you all to follow them, and सफलता पाने के लिए जरूरी है कि उसके क्राइटेरिया को समझे। एट लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ कोट विद यू ऑल, जिस दिन तेरी सफलता का परचम लहराएगा, क्या जमी और क्या आसमां, ये पूरा जग हिंदुस्तान कहलाएगा। बेस्ट विशेस टू यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।